आए। बिल्कुल, और देखिए बाबा रामदेव के साथ ही तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद हैं और स्वामी राम भद्राचार्य का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस सेक्शन में हम ले गए हैं आपको जहां पर सारे साधु संत जो हैं वो मौजूद हैं। सभी के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, एक जगह अभिनेता मौजूद हैं, राजनेता मौजूद हैं और दूसरी तरफ साधु संत लगातार मौजूद हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा रामदेव, स्वामी राम भद्राचार्य, सभी को आप यहां से देख सकते हैं। और देखिए 10:30 का समय हो चुका है, यही इतने ही समय पर संभावना जताई गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पहुंच जाएंगे और तस्वीरें सीधा हम एक अपडेट अंजलि जो आया था बीच में वो ये, क्योंकि देखिए शुरुआत में हेलीकॉप्टर के माध्यम से, एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को पहुंचना था, लेकिन उसके बाद वो कार्यक्रम, वो शेड्यूल जो थोड़ा चेंज हुआ कि प्रधानमंत्री अब हेलीकॉप्टर से ना आकर के सड़क के रास्ते मंदिर में प्रस्थान करेंगे, लेकिन एक बार फिर से शेड्यूल में बदलाव हुआ है और एक बार फिर से पहले की तरह, पहले जो कार्यक्रम तय था उसी के मुताबिक जो है प्रधानमंत्री अब मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। जी जी बिल्कुल, देखिए और जो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि साधु संत जिस तरीके से वहां पहुंच रहे हैं, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य गिरीश व्यास भी मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज कह रहे हैं। It's a wonderful occasion, very divine occasion, blessed to be a part of this, very historic and looking forward to seeking blessings of Ram Lalla. Obviously it will mean a lot more for us. We'll continue to come to Ayodhya, but this is to be a part of this occasion is itself a wonderful feeling and really blessed. Aaj Bharat ke liye gauravon ka divas hai aur Bharat aaj naya aayam likh raha, dharm virodhiyon ki thatri bar gayi, Ram Rajy ka prarambh ho gaya, hriday gadgad hai, hamare Hanuman ji khoob naach rahe hain Ram ji ke mahotsav par, hum bhi bahut prasann hain, aapko dhanyavaad, sampurna Bharat ko, vishv ko।